रियान पराग ने पान मसाला खाकर मारी दिल्ली पर पीठ। मतलब लिटरली जिस तरीके से सोचा भी नहीं था उस फॉर्म में आके रियान पराग ने, पहले तो स्ट्रगल कर रहे थे 26 बॉल में और वो 26 ही रन थे उनके, और उसके बाद बची 18 बॉल पे मतलब 50-60 रन मार दिए लिटरली। बहुत तगड़ा फिनिश। इतने सालों से जो उनको हेट मिला है एक ही मैच में पूरा जवाब दे दिया उन्होंने। और कहीं ना कहीं ये जो नॉक आई ना इसके पीछे अश्विन का भी हाथ है। अश्विन ने भी इतना सरप्राइज किया। हाँ, जब वो 36 पे 3 हो गए थे उसके बाद अश्विन ने आके उनका प्रेशर हटा दिया रियान पर। ये है प्रॉपर टीम मैन, इसको जो टीम को चाहिए ये वो करता है। क्या नाम है, कल मतलब छक्के चाहिए थे छक्के मार दिए यार, मतलब कमाल है। मतलब दिल्ली के खिलाफ तो लास्ट बार भी जब आपने देखा हो एक बार और वो चला था 50 रन मारे। ध्रुव जुनेजा और हेटमायर ने भी आके ठीक ठाक फिनिश कर दिया, पर टॉप ऑर्डर फिर दोबारा राजस्थान का, मतलब बटलर स्पेशली बटलर सैमसन तो चलो हम बोलते हैं कंसिस्टेंट नहीं रहते उसकी वजह से वो इंडियन टीम में एक दिक्कत है, नहीं तो अगर कंसिस्टेंट रहे तो उनकी वापसी हो जाती है उनकी तो स्लॉट भी अवेलेबल है। बट यशस्वी जायसवाल को भी कल क्या आई और मतलब अच्छी बोलती हो जिस पर बोल्ड हो गए तो उसमें तो उनकी कोई गलती भी नहीं थी। हालांकि दिल्ली की बैटिंग कल स्टेबल लग रही थी बस रिकी बुई को छोड़ के, उन वो तो बाउंसर पे ऐसे डरे जैसे पता नहीं क्या हो गया। एक रिकी बुई है जो थोड़ा, लेकिन क्या है ना कि अगर शायोक को खिलाना है तो आप बॉलिंग स्ट्रोक बॉलिंग वीक हो जाती है, तो बॉलिंग स्ट्रोक करने के चक्कर में आपने उसे हटाया लेकिन फिर वही चीज हो गई। और अच्छा ये रहा कि मुझे एक टाइम के लिए लगा था कि शायोक के साथ स्टिक करेंगे और स्टब्स को हटा देंगे। देखो मैं एक चीज वही तो कह रहा हूँ, मिचेल मार्श आपका फर्स्ट डाउन सही है, पृथ्वी शो को वापस ले आओगे ओपनिंग में। देखो मिचेल मार्श 12-24 मार रहा है, अगर पृथ्वी शो भी चला तो वो भी 10-20 मार देगा और आउट हो जाएगा, नहीं चला तो वो वैसे हो गया। तो वही चीज है जो मिचेल मार्श सिर्फ 12 बॉल में करके दे रहा है वो पृथ्वी शो भी करके दे सकता है। कल के मैच में पंत का इंटेंट भी अच्छा लगा। पर यार शुरुआत में तो काफी स्लो था, लगा लो एक छक्का जब उन्होंने मारा तो क्या नाम है तब जाके स्ट्राइक रेट बढ़ा, वरना तो वही जब वो स्ट्राइक रेट बढ़ाने पे आए थे तभी वो युजवेंद्र चहल से आउट। हां यूजी चला लाया और फिर दोबारा उन्होंने अपना वो मकड़ी का जाला स्पिन का जाला बोला और विकेट ले। भाई सैमसन द कैप्टन जो है ना यार, मतलब वो बिल्कुल स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं। अगर डिफेंडिंग की बात, मेरे को लग रहा था लास्ट में जब 2 ओवर रह रहे थे तो शायद यूजी चहल का एक ओवर पेंडिंग था तो वो एक और ओवर डाल सकते हैं, लेकिन वहां पे उन्होंने पहले संदीप शर्मा से डलवा दिया, फिर लास्ट ओवर में बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड काफी अवेश खान को लिया है और अवेश खान 5 की 5 ओवर कर क्या तगड़ी, अवेश खान बहुत तगड़ी वाली फॉर्म दिखा रहे हैं फिर, मतलब डेथ ओवर से उनकी भी एक्सट्रीम थी ना अगर आपको याद हो 2020 में दिल्ली के लिए खेलते थे। और पता नहीं क्या राजस्थान को भी आदत हो गई है खोटे सिक्के चलवाने की। अश्विन एक टाइम पे T20 करियर उनका खत्म सा हो गया था, पर उनके लिए बढ़िया कर रहे हैं रियान पर और अब उस्ताद आवेश खान भी फॉर्म में आ गए हैं और युजवेंद्र चहल तो क्रूशियल विकेट चटकाई रहे आगे। हाँ वो तो फिर हमेशा से कंसिस्टेंट रहे हैं, बस उनकी तो किस्मत के लोड़े लगे हुए हैं वैसे वैसे ही। दिल्ली के लिए वो एक चीज रही, पहले टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया, फिर मिडिल ऑर्डर ने अच्छी एक साझेदारी दी आपको, उसके बाद फिर अक्षर पटेल ने थोड़ा नहीं कर पाया। भाई बहुत गैप लग रहा है, मतलब अगर ऐसा ही रहा ना तो मतलब प्लेऑफ तो छोड़ो क्या पता 4-5 मैच जीतने के भी लाले पड़ जाए 14 में से, क्योंकि गैप है अभी बहुत सारा गैप है। बॉलिंग चलो आपकी फिर भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, थोड़ी सी कहेंगे क्योंकि एंटीटोनोकिया भी कल पिट गए थे पहला मैच था, कोई नहीं अच्छे प्लेयर है लेकिन ये हालत तो उनकी बैटिंग भी अगर हम सोचे तो ये तो जब हुआ है स्कोर फिर भी ठीक ठाक जब बोल्ट ने विकेट नहीं लिया फ्रंट, वरना बोल्ट तो आधी है पूरा फुटबॉल खिला देता है भाई, वो तो खतरनाक है होता था। बोल्ट को कल वॉर्नर ने अपने हाथ तो चढ़ा लिया था। तो राजस्थान ऑन टॉप और दिल्ली हैव अ लॉट टू डू एंड थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर्स, थैंक्स फॉर दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।